हेलो गाइस, आपके अपने चैनल श्यामा के स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइस, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे वीवीमैट लैब्स लिमिटेड। आज की कंडीशन की बात करें तो काफी डाउनफॉल इसमें देखने को मिला। हाई की बात करें तो ऊपर भी गया था। एक बड़ी न्यूज अनाउंस हुई है। न्यूज क्या है? ऑफकोर्स काफी बड़ी न्यूज है, इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगी। सुखाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। तो आज के हाई की बात करें, लो की बात करें तो गाइस 21.65 रुपए इसका आज का ही है। लो की बात करें 21.15 रुपए इसका आज का लो। अगर 52वीं हाई की बात करें 41.5 रुपए, ये एक साल में ऊपर गया था। 52वीं लो की बात करें तो 13.05 रुपए इसका 52वीं लो है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो गाइस काफी ऊपर का शेव हुआ करता था, करीब करीब यहाँ पर 150 रुपए के आसपास का, और अभी एट प्रेजेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 21 रुपए के आसपास इसका फ्लक्चुएशन मार्केट में मिल रहा है। तो गाइस, मैंने काफी टाइम बोला है आपको, अगर आपको 20 रुपए से नीचे मिले देन ऑफ कोर्स आपको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना चाहिए। नो डाउट कि एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, बट लंबे टाइम के लिए आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर बात करें इसके एनालिसिस की तो काफी सारी चीजें बेस्ट नजर आ रही है। अगर आज के वॉल्यूम ट्रेड की बात करें तो 2 लाख क्वांटिटी वॉल्यूम जो कि एनएससी पे ट्रेड हुआ है। बीएससी की बात करें तो यहां पर भी करीब करीब 64,000 क्वांटिटी वॉल्यूम जो कि बीएससी पे ट्रेड हुआ है। अगर बात करें इसके शॉर्ट एनालिसिस की तो दो स्ट्रेंथ है एंड 4 वीकनेस है, 1 अपॉर्चुनिटीज है, 0 थ्रेट इसमें नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चीजें काफी सुधरती हुई नजर आ रही है। एंड अगर बात करें आज की तो एक बड़ा वॉल्यूम जो कि सेल किया गया है, इवन जो कि यहाँ पर रेड कैंडल नजर आ रही है। तो गाइज यहाँ पर एक बड़ी न्यूज अनाउंस की गई है। एंड अगर बात करें इसके अलावा जो कि इसके सेंटीमेंट की, तो गाइज मैं तो ये कहूंगा कि 20 रुपए से नीचे इसको ले सकते हैं। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल की तो फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी इवन अभी सुधरती हुई है। यहाँ पर जो कि अगर बात करें रेवेन्यू की तो करीब करीब 2 गुना यहाँ पर जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में ऑफकोर्स गाइज यहां पर जो लॉस है वो काफी कम हुआ है, सिर्फ 2 करोड़ का लॉस बचा है। 27 करोड़ के लॉस से 2 करोड़ के लॉस तक आ चुका है। एंड अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की तो अर्निंग पर शेयर में भी करीब करीब सेम सिचुएशन है जो कि नेट प्रॉफिट की है। एंड इसके अलावा अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो यहाँ पर जो प्रोमोटर होल्डिंग है 28.57% 3 क्वार्टर से लगातार बनी हुई है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। अगर बात करें प्लेज की तो ऑफकोर्स गाइज 54.2% यहाँ पर प्लेज भी है इवन। एंड अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो 1.85% यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। अगर बात करें पब्लिक होल्डिंग की तो 69.46% यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग है। अगर बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी यहाँ पर थोड़ी सी नजर आ रही है 0.12% के साथ। एंड अगर बात करें यहाँ पर अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। एफआईआई की बात करते हैं तो यहाँ पर एंट्री ली गई है, ऑफकोर्स सितंबर क्वार्टर में दोबारा से एंट्री ली गई है। ऑफकोर्स काफी बड़ी न्यूज है, इट मींस कि बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर घुस चुके हैं। एंड अगर बात करें एक्सपोर्ट की तो एक बड़ा ऑर्डर एक्सपोर्ट किया था कुछ टाइम पहले, एक न्यूज के थ्रू मैंने आपको बताया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। कैनेडा में एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, इवन एक्सपोर्ट किया था। एंड अगर बात करें अप्रूवल की तो काफी सारे अप्रूवल भी मिले हैं मेडिसिन को लेके, उज्बेकिस्तान की बात हो या फिर कोई और मेडिसिन की बात हो, या फिर कोरोना टाइम में कोविड-19 के टाइम पर जो फेविपिराविर या फिर ऐसी टैबलेट की बात हो, तो काफी अच्छा खासा परफॉर्म किया है वीवीमैट लैब्स ने। एंड अगर बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तो यहाँ पर होल्डिंग को जो कि डिक्रीज किया गया है सितंबर 2021 में। एंड अगर बात करें पब्लिक होल्डिंग की तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर बिल्कुल अभी भी इवन जो कि इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। ऑफकोर्स ये अच्छा साइन नहीं बोल सकते, जितनी पब्लिक होल्डिंग ज्यादा होगी काफी चांसेस हैं शेयर प्राइस के मेंटेन रहने के एक प्राइस लेवल में। एंड अगर बात करें इसके अलावा अदर्स की तो एंट्री यहाँ पर बिल्कुल फ्लैश आउट हो चुकी है। न्यूज की बात करें तो काफी सारी न्यूज जो कि मार्केट में आ रही है, वीवीमैट लैब्स शेयर 20% अप्रूवल फॉर 3 प्रोडक्ट जो कि अप्रैल 16 को जो कि काफी सारे प्रोडक्ट का अप्रूवल मिला है, जबरदस्त परफॉर्म किया है। अगर बात करें वीवीमैट लैब की इस फाइनेंशियल ईयर में बेहतरीन परफॉर्म यहाँ पर देखने को मिला है। एंड इसके अलावा अगर बात करें न्यूज की तो काफी, उससे पहले हम इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर देख लेते हैं कि कितने मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसके जो कि एट प्रेजेंट इसकी फेस वैल्यू की तो 2 रुपए फेस वैल्यू है। एंड अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ शेयर की तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 2 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से ज्यादा नहीं है, 8,29,13,915 क्वांटिटी वॉल्यूम ही मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जिसमें से
करीब करीब 2.25 से 2.5 करोड़ जो सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप के पास है। तो गाइज यहाँ पर शेयर प्राइस शेयर जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो ज़्यादा नहीं है मार्केट में। एंड अगर बात करें इसकी न्यूज़ की तो ये न्यूज़ है जिसकी वजह से आज काफ़ी डाउनफॉल भी देखने को मिला, कल भी काफ़ी डाउनफॉल था। तो गाइज यहाँ पर CEO द्वारा रिजाइन किया गया है, रेजिग्नेशन मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका लगा है। मिस्टर रमेश कृष्णमूर्ति जो कि जिन्होंने रिजाइन किया है, जो कि एक ऑफिशियली लेटर भी यहां पर जो कि वीमेट लैब्स ने दिया है 14 अक्टूबर को बीएससी और एनएससी को। एंड गाइज ऑफ कोर्स काफी बड़ा झटका यहां पर, जो कि इवन अगर बात करें इसके एक तरह से जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है यहां पर डायरेक्टर CEO मैनेजिंग डायरेक्टर, वहां से इतने टॉप लेवल से रेजिग्नेशन मिलना, इट मींस कि काफी बड़ा झटका यहाँ पर वीमेट लैब्स को लगा है। तो गाइज आप भी देखना बाकी ये है कि नेक्स्ट जो कि अभी ये डेजिग्नेशन किसको मिलती है, क्या कहाँ पर कैसे कोई नई अपडेट आती है, जैसे ही कोई अपडेट आती है विल गेट बैक टू यू सून। एंड अगर बात करें अभी लेने की, गाइज 20 रुपए से नीचे है, ऑफकोर्स आप इसको ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं एंड लंबे टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, टेक केयर।